हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि एसएससी जीडी में जो दांत का मेडिकल होता है यानी जो डेंटल टेस्ट होता है वो किस प्रकार होता है, इसमें कौन कौन से पॉइंट दिए जाते हैं, कितने पॉइंट वाला को यहाँ पर पास किया जाता है, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके दाँत में कीड़ा लगा हुआ है या दाँत निकलाया हुआ है या फिर दाँतों को यहाँ पर बंधवाया हुआ है, यानी जिनके दाँत टेढ़े मेढ़े हैं उन्होंने बंधवा रखे हैं, तो क्या उनका यहाँ पर मेडिकल में उनको पॉइंट दिया जाएगा या मेडिकल में पास कर दिया जाएगा। तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में आपको कुछ बता देता हूं। मेरा 2018 की वैकेंसी में एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे को सभी मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी है कि किस प्रकार आपका वहां पर मेडिकल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहां पर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके दांत यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार है, यानी टेढ़े मेढ़े हैं, या फिर दो दांत इस प्रकार के हैं जो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इस प्रकार के दांत हैं तो क्या यहाँ पर एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और पिक्स दिखाना चाहता हूँ, यानी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इस प्रकार की भी प्रॉब्लम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे दांत के अंदर जो कीड़ा लगा हुआ है, तो क्या इसको यहाँ पर पास करेंगे या फेल कर देंगे, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो और भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो यहां पर दांत जो टेढ़े मेढ़े हैं तो क्या इनमें हमारे को पॉइंट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या फिर दांत में कीड़ा है तो क्या पॉइंट दिया जाएगा, या फिर निकलवाया हुआ है, यानी इस प्रकार जो कंडीशन हो जाती है तो इसमें क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट अपना दांत निकलवा देते हैं, तो क्या इसमें हमारे को पॉइंट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहां पर मैं इमेज के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपके दांतों के पॉइंट को किस प्रकार काउंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके पहले आपके ये दांत है उसको दो भागों में बांट लिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार आपके दांतों को दो भागों में बांट लिया जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जैसे ये आगे के चार दांत हैं उनको यहाँ पर इनका मैचेज देखा जाता है कि यहाँ पर जैसे ऊपर वाला दांत और नीचे वाला दांत आराम से टच हो रहा है और खाने यानी चबाने के अंदर कोई भी अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही है तो इसके अंदर आपको पास कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर काउंट किस प्रकार किया जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको दो भागों में हम बांट लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पर इनसे जो दांत होते हैं आपके, तो इनको यहाँ पर जैसे एक पॉइंट हो गया इसका, तो ये किस प्रकार काउंट होगा, अगर ये और ये दोनों अगर टच हो रहा है अच्छे से तो इसका और इसका दोनों का कितना पॉइंट हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर इस प्रकार इसका भी यहाँ पर एक हो गया, यानी दोनों ये मैच हो रहे हैं तो दो, और ये इसका हो गया तीन। और अब यहाँ पर आपके पास ये दो दांत बचते हैं, तो ये दो दांत हैं तो इनका भी अगर ऊपर और नीचे वाला आराम से टच हो रहा है तो इनका भी एक एक पॉइंट यहाँ पर काउंट कर लिया जाएगा। अब टोटल कितना हो गया यहाँ पर, एक दो तीन चार और पाँच, यहाँ भी यहाँ पर टोटल कितना हो गया, पाँच पॉइंट आपका यहाँ पर काउंट हो गया। अब यहाँ पर मोलर्स आपके पास बचते हैं, तो अब इनका यहाँ पर दो दो पॉइंट यहाँ पर काउंट किया जाता है, अगर ये आराम से टच हो रहा है तो दो दो पॉइंट इसका यहाँ पर काउंट होगा, ये दो दो पॉइंट। अब यहाँ पर टोटल इसको काउंट करेंगे तो कितना हो गया आपका, यहाँ पर आपका छः पॉइंट आराम से काउंट हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो गया, छः और पाँच ग्यारह पॉइंट, छः और पाँच कितना हो गया टोटल, यहाँ पर ग्यारह, और ग्यारह और ग्यारह यहाँ पर इधर वाले भी ग्यारह हो गए, यानी एक तरफ का ग्यारह और एक तरफ का इधर भी टोटल कितना हो गया, तो टोटल यहाँ पर ग्यारह और प्लस ग्यारह टोटल यहां पर 22 पॉइंट हो गया। अब यहां पर फ्रेंड्स होता क्या है, टोटल आपका 22 पॉइंट होता है, इसमें से आपको 14 पॉइंट 14 जो आपके पॉइंट होते हैं ये आपको मांगा जाता है, यानी 22 में से अगर आपके 14 पॉइंट है तो आपको यहां पर मेडिकल में दांत के मेडिकल में यहां पर पास कर दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि यहां पर किस प्रकार के जो दांत है उसको यहां पर मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं जैसे ये ऊपर के दांत है और ये नीचे के दांत है, ये आपको उस देखने में भी पता चल रहा है कि ये आराम से टच नहीं हो पाएंगे और ये भी नहीं हो पाएगा, यानी ये एकदम टेढ़े मेढ़े दांत है, तो इस प्रकार में यहाँ पर आपको रिजेक्शन दे दिया जाएगा, यानी यहाँ पर सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक पिक्चर और आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यानी ये दांत है जो ये देख सकते हैं और ये दांत, यानी ये आराम से नीचे टच हो रहा है, खाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये भी देख सकते हैं तो ये आराम से टच हो रहा है, यानी दोनों दांत आराम से टच हो रहे हैं और भी ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इस प्रकार ये टच हो रही है ये आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट के जैसे ये प्रॉब्लम होती है, यानी दांत ऊपर चढ़ा हुआ होता है,
ये देख सकते हैं, ये फोटो के अंदर देख सकते हैं, ये इस प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो क्या इसके अंदर हमारे को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा यानी मेडिकल में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा? तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर नीचे की दांत आपके एकदम सही टच हो रहे हैं तो अगर ये दांत भी आपके यहाँ पर है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस कंडीशन में आपको यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, इस कंडीशन में आप पास है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने दांत निकलवा लिया जा होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर खाली दांत होता है। अब यहाँ पर वो कैंडिडेट करता क्या है कि यहाँ पर केप चढ़ा लेता है, यानी जो पास वाला दांत रहता है होता है उसका थोड़ा सा मतलब छोटा करवा लेता है, और यहाँ पर इस प्रकार की जो केप होती है ये देख सकते हैं, ये दांत तो एकदम मतलब ये जो आपके डेंट जो डॉक्टर होते हैं दांत का डॉक्टर होता है वो आपको क्या करता है, यहाँ पर एक जो नकली दांत होता है वो डाल देता है और ये केप चढ़ा देता है, यानी ये केप इसके ऊपर आराम से फिट हो जाएगी। तो इस प्रकार में यहाँ पर आपको बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर पास कर दिया जाएगा, यानी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, लगभग यहाँ पर ज़्यादा तो महंगा नहीं पड़ता है लेकिन 7 से 8 हज़ार यहाँ पर ये इसका चार्ज लगता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर पास कर दिया जाता है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन भी होती है, यानी एक दांत नहीं होता है और दोनों दांतों के ऊपर केप चढ़ी होती है, तो इसमें भी यहाँ पर आपको पास कर दिया जाता है और इसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये इस प्रकार की आपकी दांतों का जो मेडिकल होता है ये इस प्रकार होता है। यहाँ पर इस प्रकार सारा पॉइंट मैंने आपको बता देता है दिया है कि किस प्रकार आपका ये दांतों का जो पॉइंट है ये किस प्रकार काउंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी आपको अगर दांतों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के दांतों पर यहाँ पर क्लिप चढ़ाई हुई होती है, यानी दांतों को बंधवाया हुआ होता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर बंधवा के नहीं जाना है, वहाँ पर आपको खुला यानी खुलवा के जाना है, यानी जो दांत होते हैं जो तार से बंधवाया होता है तो उसमें अगर वहाँ पर बंधवा के जाओगे तो वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वहां पर आपको खुलवा के जाना है। तो इस प्रकार आई होप आपको दांत का जो मेडिकल होता है किस प्रकार होता है वो पूरा समझ में आ गया होगा। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।